There are a lot of ideas. I am having two, three ideas. One is a historical film, and other one is something like James Bond film, like not James Bond. To categorize it, I'm using that term. And one science fiction is also there, like 2012. So these are all my plans. Definitely all are very वेलकम टू माई चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में। दोस्तों, मुझे याद है कि 6 महीने पहले एक बंदे से मुझे पता चली थी कि शंकर ने शाहरुख खान को 2-3 आइडिया सुनाया है, और उस बंदे ने उस वक्त मुझे बताया था कि इस तरह की फिल्म होगी, दूसरी इस तरह की फिल्म थी, तीसरी इस तरह की फिल्म थी। और आज शंकर जब ये बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि भाई उस बंदे ने ये बात बिल्कुल सही बताई थी। शाहरुख खान को 2-3 आइडिया सुनाया था। शंकर खुद कह रहे हैं कि मेरे पास 2-3 आइडिया है। शंकर अगर कह रहे हैं कि मेरे पास 2-3 आइडिया है, लेकिन शंकर ये नहीं कह रहे कि दोनों 2-3 आइडिया में किसी एक आइडिया पर शाहरुख खान के साथ फिल्म बनेगी। शंकर अभी ऑफिशियल तौर पे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी तो नरेशन होगा। दोस्तों, शाहरुख खान को अगर पसंद आएगी तब जाके शाहरुख खान फिल्म करेंगे, तब जाके फिल्म शाहरुख खान साइन करेंगे। दोस्तों, अभी सिर्फ बातचीत हो रहा है ऊपर ऊपर कि भाई चलो आइडिया है, इस पर स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, पसंद आएगी तब बनेगी। दोस्तों, अब तीनों आइडिया कौन कौन से थे शंकर के पास, तीन कौन कौन सी फिल्म थी, तो शंकर ने खुद ही बता दिया। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो पहला आइडिया शंकर के पास था दोस्तों, एक हिस्टोरिकल फिल्म जो शाहरुख खान को सुनाया। दूसरा आइडिया शाहरुख खान को एक साइंस फिक्शन फिल्म सुनाया दोस्तों। और तीसरा आइडिया एक लाइक जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्म। शंकर ये कह रहे हैं कि जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्म नहीं, लेकिन जेम्स बॉन्ड में मैंने कैटेगरी में डाला है, उस कैटेगरी में उस तरह की फिल्म। तो भाई तीनों आइडिया में कौन सा आइडिया शाहरुख खान ने पसंद किया है दोस्तों, ये अभी किसी को नहीं पता है। हिस्टोरिकल भी करे तब भी ठीक है, साइंस फिक्शन करे तब भी ठीक है, और जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्म करे तब भी ठीक है। मुझे लगता है कि सेफ जोन होगा दोस्तों जेम्स बॉन्ड वाली कैटेगरी। 2012 जैसी फिल्म अगर बनाएंगे वो, 2012 जो हॉलीवुड की फिल्म आई थी साइंस फिक्शन, तो उसमें बहुत वक्त लग जाएगा, 4 साल 3 साल वक्त लग जाएगा। अगर हिस्टोरिकल फिल्म बनाएंगे उसमें भी बहुत वक्त लग जाएगा। शंकर अपनी फिल्मों में बहुत वक्त लगाते हैं दोस्तों। अभी शंकर लिखेंगे, शंकर इस तारके को सुनाएंगे, शाहरुख खान देखेंगे भाई कितना टाइम ये फिल्म बनेगा। शंकर अगर 1 साल 2 साल में अगर फिल्म बना दे तो ठीक है भैया, अगर शंकर 4 साल 5 साल लग लेंगे तो फिर शाहरुख खान नहीं करने वाले हैं। शाहरुख खान ने जो जो फिल्में शंकर की रिजेक्ट की है पहले, वो टाइमिंग की वजह से रिजेक्ट की है। शंकर कभी 1 साल 2 साल में फिल्म नहीं बनाते हैं, शंकर 4 साल 5 साल 8 साल लगा देते हैं एक फिल्म में। तो अब देखते हैं कि शाहरुख खान क्या करते हैं, क्या शंकर इस बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके 1 साल 2 साल के अंदर कोई फिल्म बनाएंगे अगर प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार है तो। आप क्या चाहते हैं कि शाहरुख खान हिस्टोरिकल फिल्म चुने, साइंस फिक्शन चुने दोस्तों, या फिर जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्म चुने? शंकर ये कह रहे हैं कि नया टेक्नोलॉजी इस बार वो यूज़ करने वाले हैं, बहुत हार्ड VFX होगा, बहुत बड़ा बजट होगा। तो भाई इतना बड़ा बजट किस एक्टर पे लगाया जाएगा? शाहरुख खान कौन सी फिल्म चुनेंगे, कौन सा आइडिया पे शाहरुख खान के लिए काम हो रहा है दोस्तों, ये इंडस्ट्री में पता है लेकिन लोग बताने के लिए तैयार नहीं है। तीनों बता रहे हैं, ये 3 आइडिये थे, लेकिन भाई कौन सा आइडिया पे अभी काम हो रहा है? भाई मैंने हिमेश भाई से ये पूछा तो वो कह रहे भाई 3 आइडिया पे काम हो रहा है, लेकिन वो एक आइडिया बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में ले जाना चाहेंगे शाहरुख खान को, कमेंट करके बताएं। और हमारे साथ बने रहें इसी तरह के एपिसोड के लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, सपोर्ट करें इस चैनल को। टेक केयर।